समर सीज़न आ चुका है तो कुछ ठंडा ट्राई करते हैं। तो आज बनाएंगे इंस्टेंट कुल्फ़ी। इसे बनाने में कोई भी मलाई या कंडेंस मिल्क ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं रेसिपी। सबसे पहले एक मिक्सर जार लेंगे, इसमें मैंने 1 कप दूध ऐड किया है, फुल फैट मिल्क है ये। अब मैं ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून शुगर, 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, 5 बादाम और 5 पिस्ता मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर। 2 ब्रेड लिए हैं मैंने और इसे इस तरह स्लाइसेस में कट कर लिए हैं, मैं इसे भी ऐड कर दूंगी। अब मिक्सर जार को बंद करेंगे और स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। अब मैं इसे 2 अलग अलग कटोरी में निकाल रही हूँ। यहाँ पर मैं केसर पिस्ता फ्लेवर कुल्फी बना रही हूँ, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 8 से 10 सेफ्रॉन लिए हैं और ऐड किया है थोड़ा मिल्क। इसे मैं 10 मिनट साइड में रख दूंगी। दस मिनट बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसे मैं कटोरी में डाल दूंगी। और 5-6 पिस्ता चॉप करके ऐड किया है मैंने। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब लेंगे कुल्फी मोल्ड और ऐड कर देंगे मिक्सचर। आप चाहो तो प्लास्टिक के ग्लास भी यूज़ कर सकते हो, प्रोसेस सारी सेम ही रहेगी। इसे हम अच्छे से एल्युमिनियम फॉइल या किसी प्लास्टिक या किसी ढक्कन से कवर कर देंगे। और ये आइसक्रीम स्टिक ऐड करेंगे। अगर आप ढक्कन से ढक रहे हो तो ये स्टिक आइसक्रीम निकालते वक्त इसमें ऐड करें, और स्टिक ना हो तो आप इसे किसी नॉर्मल चाकू या नाइफ से इसे निकाल सकते हो। इसे सेट करने रखेंगे फ्रीज़र में 6 से 8 घंटे तक और ये कुछ इस तरह दिखेगी। ये पूरी सेट हो चुकी है। इसे निकालने का बेस्ट तरीका ये है कि 1 ग्लास में पानी लें और इसे 20 से 30 सेकेंड तक पानी में डीप करें। और देखिए ये कितनी आसानी से इस मोल्ड में से निकल गई। तो है ना ये एकदम सिंपल और टेस्टी रेसिपी।